हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम ज्योग्राफी की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक या दो नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर से पोर्ट यानी कि समुद्री बंदरगाह के बारे में। हम जो है आज डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम समुद्री बंदरगाह को मैप के थ्रू और उसके जो इम्पॉर्टेंट उसके अंदर भारत के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बंदरगाह हैं, जो पोर्ट हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उनके जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये है रहा हमारा प्यारा भारत। और इस भारत के अंदर जो है करीबन करीबन आपको 12 जो है बंदरगाह मिलेंगे, 12 जो है पोर्ट मिलेंगे और 200 छोटे छोटे पोर्ट आपको मिलेंगे। तो मेनली जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है गुजरात। गुजरात में आपको मिलेगा कांडला। कांडला पोर्ट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब इंडिया का वेस्ट में, सबसे वेस्ट में कोई पोर्ट है तो वो है कांडला, ठीक है। और पूर्व की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा पश्चिम बंगाल, जिसमें दो पोर्ट मिलेंगे, हल्दिया और कोलकाता। कोलकाता और हल्दिया आपको मिलेगा। यहाँ पर जब आप उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो आपको पारादीप मिलेगा। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में मिलेगा। अब बात करते हैं और बंदरगाह है उसकी, तो यहाँ पर है मुंबई। मुंबई जो है ये बहुत ही सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है, पोर्ट माना जाता है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो मरमा गाँव जो है ये हमें गोवा में मिलेगा। उसके नीचे जो है ये बेंगलोर कर्नाटक में मिलेगा हमें। कर्नाटक में हमें जो है मंगलुरु जो है पोर्ट मिलेगा, और जो तमिलनाडु में हमें चेन्नई पोर्ट मिलेगा। इसके बाद जो है नीचे कोची और तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन दोस्तों जो पोर्ट है ये तमिलनाडु के अंदर ही आ जाता है, तूतीकोरिन। और कोची जो पोर्ट है वो आ जाता है केरल में। कोची जो है वो केरल में आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने लोकेशन को ट्रेस किया है यहाँ पर। अब हम इनको धीरे धीरे इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले कांडला पोर्ट से। तो कांडला जो पोर्ट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी के आसपास जो है कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये जो वेस्ट का जो पार्ट है भारत का और जो नॉर्थ का पार्ट है, उस एरिया की ज़रूरतों को पूरा करता है ये कांडला पोर्ट यानी कांडला बंदरगाह। तो ये सबसे पश्चिम का, पश्चिम वाला पोर्ट है, सब भारत का सबसे पश्चिमी पोर्ट माना जाता है वो है कांडला पोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है दिस ऑफशोर टर्मिनल एट वादीनार हैज़ डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ कांडला पोर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है कि यहाँ पर क्या है कि जो कांडला पोर्ट है ये सबसे वेस्ट का है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है मुंबई। मुंबई पोर्ट जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक नेचुरल हार्बर है, मतलब नेचुरल यानी प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में कि प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल हार्बर कौन सा है। तो मुंबई जो है वो नेचुरल हार्बर है एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, या तो इस ये पूछेगा कि सबसे बड़ा पोर्ट भारत का कौन सा है इंडिया का, तो मुंबई है। इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो, इसे नहावा सेवा भी कहा जाता है। जो मुंबई पोर्ट है उसके काम का प्रेशर कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया गया। इसे इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी कहते हैं और ये सैटेलाइट पोर्ट भी माना जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, ठीक है। इसके बाद आता है मरमागो पोर्ट। मरमागाओ पोर्ट जो वो ज्वारी एस्चुरी में है। ज्वारी एस्चुरी जो होता है
वो नदी जब समुद्र की तरफ जाती है, तो जब समुद्र का लेवल जो है बढ़ता है और समुद्र का खारा पानी नदी में आ जाता है, तो वहाँ पर ज्वारी एस्चुरी ज्वार नदमुख बन जाता है नदी का। तो उस एरिया में गोवा के तट में के पास आपको ये मिलेगा, मरमागाव पोर्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी मुंबई पोर्ट की तरह नेचुरल हार्बर है, यानी प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। और जो है ये जो है इसके बाद आता है न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट जो है आपको कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है नीचे और भी पोर्ट है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कोची पोर्ट। कोची पोर्ट जो है वो जो है आपको केरला में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता जो है ये पूछा जा सकता है कि हुगली रिवर पर कौन सा पोर्ट है, यानी कौन सा बंदरगाह है, तो कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स ने जो है डेवलप किया था। इसके बाद जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हल्दिया पोर्ट, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार और फिर से पूछने के चांस है। हल्दिया बंदरगाह जो है वो कोलकाता के ही पास मिलेगा आपको, ठीक है। जो कोलकाता बंदरगाह है उसके काम के प्रेशर को कम करता है। उसके बाद आता है पारादीप, ये हमने बताया था कि ये जो है उड़ीसा के आसपास आपको मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, और ये महानदी डेल्टा के पास जो है लोकेटेड है। महानदी डेल्टा ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पारादीप जो पोर्ट है वो महानदी डेल्टा जो है वहाँ उसके आसपास है। फिर इसके बाद आता है विशाखापट्टनम पोर्ट। ये विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड मिलेगा। और इसकी एक खास बात यह है कि लैंड लॉक्ड हार्बर है, यानी ये भू आबद जो है भूमि से जो है घिरा हुआ एक हार्बर है, ठीक है। इसको जो है काट कर, चट्टानों को काट कर इसे नहर के माध्यम से समुद्र में जोड़ा गया है, ध्यान रखना है इसे, विशाखापट्टनम पोर्ट को। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर आ जाते हैं तीन हमारे पास और हैं, जैसे चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्ट का जो कोस्ट है यानी जो पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट का सबसे पुराना जो पोर्ट है वो चेन्नई पोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है एन्नोर। एन्नोर जो है ये भी तमिलनाडु में आता है। चेन्नई पोर्ट भी तमिलनाडु में आता है, और टूतीकोरिन पोर्ट जो है ये भी जो है तमिलनाडु में आता है। तो टूतीकोरिन जो है वो कहीं ना कहीं चेन्नई पोर्ट के काम के प्रेशर को कम करने के लिए टूतीकोरिन पोर्ट बना रखा है। तो ध्यान रखना है चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और टूतीकोरिन पोर्ट। चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और टूतीकोरिन पोर्ट, ये तीनों बंदरगाह जो हैं, तीनों पोर्ट जो हैं ये आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। और चेन्नई पोर्ट जो है ये ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी घाट का सबसे पुराना आपको पोर्ट जो है इसे माना जाता है।